इंडियन एजुकेशन इज I'm sorry to say this, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नीट के स्टूडेंट्स को न्याय नहीं दिला पाया। UPSC जैसी हाईली रेप्यूटेड एग्जाम्स की रिजर्वेशन के नाम पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोटा में बच्चों के सपने पूरे हो या ना हो, लेकिन उनकी लाइफ खत्म जरूर हो जाती है। दुनिया में अगर ऐसा कोई बिजनेस है जहां प्रोडक्ट फ्लॉप होने पर कस्टमर को ब्लेम किया जाता है, तो वो है एजुकेशन। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम से दो चीजें मिसिंग, एजुकेशन और सिस्टम। कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स बनाने के बाद भी हम आजादी के बाद साइंस में एक भी नोबेल प्राइज क्यों नहीं जीत पाए? वर्स्ट पार्ट यह है कि हमारे मिनिस्टर्स खुद ये जानते हैं, इसीलिए उनके खुद के बच्चे फॉरेन में जाकर पढ़ते हैं, लेकिन खुद के हाथ में पावर होने के बावजूद वो एजुकेशन में बदलाव नहीं लाते। क्यों हमारे एग्जाम्स में रोट लर्निंग पर ज्यादा फोकस होता है? क्यों हमारे बच्चों को बचपन से रोबोट्स बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है? क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है? पूरी लाइफ हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज हमसे सवाल पूछता है। चलिए आज उल्टा सवाल करते हैं। मेरे हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए 5 सवाल है। अगर आप भी इन सवालों से सहमत है तो प्लीज इस वीडियो को अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है वो इस प्रॉब्लम को समझ पाए। पहला सवाल, इंग्लिश का कंपल्शन क्यों? हमारे देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और अनगिनत अनऑफिशियल लैंग्वेजेस भी, लेकिन आप में से कितने लोगों ने अपनी मातृभाषा में एजुकेशन लिया? ओके, लेट मी रीफ्रेज दैट क्वेश्चन। आप में से कितने लोगों को अपनी मातृभाषा में एजुकेशन लेने का ऑप्शन अवेलेबल था? मेरी आपत्ति इंग्लिश एज अ लैंग्वेज से नहीं, मेरी आपत्ति इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन से है। ओके, लेट मी टेल यू माई स्टोरी। मैंने मराठी मीडियम में एजुकेशन लिया एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि नहीं तो मैं मराठी भाषा पढ़ ही नहीं पाता। मैं मेरे कितने दोस्तों को जानता हूँ जो अपनी खुद की मातृभाषा पढ़ नहीं पाते। आज देश के 25% यूथ का यही हाल है। सोचिए आज कितना सारा लिटरेचर सिर्फ लोकल लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम में जाता तो इतना सारा लिटरेचर मैं कभी पढ़ ही नहीं पाता। लेकिन वर्नैक्युलर मीडियम में जाने का एक बड़ा ड्रॉबैक भी था कि 10th स्टैंडर्ड के बाद मुझे एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक लगा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन कैसा भी क्यों ना हो, कॉलेज में जाकर एजुकेशन इंग्लिश में ही होने वाला था। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, लेकिन मदर टंग मेरी नेचुरल लैंग्वेज है। जापान में साइंस जापानीज में ही पढ़ाते हैं, चाइना में मैंड्रिन में ही पढ़ाते हैं, रशिया में रशियन में ही पढ़ाते हैं, लेकिन उनके साइंटिस्ट पीछे नहीं छूटते। तो क्या हम बच्चों पर इंग्लिश का कंपल्शन डाल के उन पर अननेसेसरी बर्डन डाल रहे हैं? दूसरा सवाल, चीटिंग इतनी कॉमन क्यों? ये वीडियो देखिए, यहाँ LLB एग्जाम के समय बच्चे अपने टीचर के सामने ही चीटिंग कर रहे हैं, गाइड लेकर एग्जाम लिख रहे हैं। क्या ये बच्चे कल के लॉयर्स बनेंगे? ये बच्चे लोगों को जस्टिस दिलाएंगे? किस तरह के वकील बनेंगे ये लोग? अच्छे वकील जो न्याय दिलाते हैं, या फिर ऐसे वकील जो दरिंदों को जेल से छुड़ाते हैं? लोग चीटिंग करने के लिए क्रिएटिव तरीके अपनाते हैं। एक भाई ने अपनी बहन को चीटिंग करने में हेल्प करने के लिए फेक पुलिस का यूनिफॉर्म रेंट किया और अपनी बहन को आंसर शीट्स पास की। आपको तो पता ही होगा कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के समय पुलिस होती है एग्जाम सेंटर में, ताकि वो चीटिंग रोक पाए। लेकिन इस इंसिडेंट में पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर ही उस भाई ने अपनी बहन को चीटिंग करने में हेल्प की। हरियाणा जैसे राज्य तो कुछ अलग ही लेवल पर चल रहे हैं, जहाँ पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ऐसे दीवारों पर चढ़ चढ़ कर हेल्प करते हैं। एग्जाम सीजन में हर साल कोई ना कोई पेपर लीक होता ही है, कोई ना कोई चीटिंग होती ही है, और ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। एक दो स्टूडेंट्स चीटर नहीं है, पूरी सिस्टम ही चीटर से भरी हुई है। और इस चीटिंग को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें चाइना के गाओकाओ सिस्टम से सीखना होगा। गाओकाओ दुनिया की टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है। JEE और UPSC एग्जाम से भी टफ ये एग्जाम होती है, जिसके पेपर को ऐसे आर्म्ड पुलिस प्रोटेक्ट करते हैं। उनके पेपर जेल में मैक्सिमम सिक्योरिटी में प्रिंट होते हैं, ताकि वो लीक ना। इन टेस्ट पेपर्स को सोने की तरह आर्मर्ड वैन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि चाइना जानता है कि एक एग्जाम में चीटिंग करके अगर लोग आगे बढ़े तो नुकसान पूरे देश का है। तो क्या भारत ये बात नहीं समझता? तीसरा सवाल, रट्टा मार लर्निंग क्यों? रिसर्च कहता है कि स्टूडेंट्स 4 अलग अलग टाइप के लर्नर हो सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग और किनेस्थेटिक। इस मॉडल को वार्क मॉडल कहते हैं। विजुअल लर्नर्स
वो होते हैं जो ग्राफ्स देखकर डेटा समझ सकते हैं। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो बातें सुन सुनकर इंफॉर्मेशन को बेटर प्रोसेस कर सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग वाले लर्नर्स चीजों को बार बार पढ़कर या फिर लिखकर याद कर लेते हैं, और किनेस्थेटिक लर्नर्स खुद एक्सपीरियंस करके या कोई पजल सॉल्व करके फिजिकल एक्टिविटी से सीखते हैं। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम को दुनिया की बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। यहाँ टीचर को पूरा फ्रीडम होता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सा सिस्टम सही है। टीचर स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन दे पाता है और इसीलिए स्टूडेंट्स की ग्रोथ भी होती है। ये एक रीजन हो सकता है कि फिनलैंड दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री भी मानी जाती है। लेकिन भारत में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर कॉलेज तक सिर्फ एक ही टाइप की लर्निंग होती है, पढ़ो लिखो और रट्टा मारो। दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स अबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। आज भारत में यही हो रहा है। एक बैक बेंचर पूरी लाइफ खुद को फेलियर मान के चलता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्मार्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अलग है। हमारी एजुकेशन सिस्टम, लाइफ के 15 साल हमें सेम टू सेम कैसे बनना है ये सिखाती है। और जॉब के समय इंटरव्यू में पहला सवाल यही आता है, आप में स्पेशल क्या है, हाउ आर यू डिफरेंट। अरे जो भी स्पेशल था उसे तो एजुकेशन ले लेकर हमने फिनिश कर दिया, सब स्टूडेंट्स पर सेम बनने का प्रेशर क्यों? संदीप महेश्वरी सर कहते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाती है व्हाट टू थिंक, नॉट हाउ टू थिंक। हर यही प्रॉब्लम है। चौथा सवाल, इंडियंस देश छोड़कर क्यों जाते हैं? लोग अगर अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये उनका पर्सनल डिसीजन है, राइट? ऑफ कोर्स हर एक को खुद के लिए सही क्या है ये खुद सोचना चाहिए और अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वही करना चाहिए जो उनके फ्यूचर के लिए सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि काबिल इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में कोई ऑप्शन ना होना हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। कुछ नंबर्स बताता हूँ। भारत से हर साल 7.5 लाख लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, और बाहर एजुकेशन लेना एक्सपेंसिव होता है तो वो एटलीस्ट 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। सैड पार्ट ये है कि बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ने के इरादे से नहीं जाते, वो सेटल होने के इरादे से जाते हैं। जिसे भी वहाँ रुकने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो कभी भी वापस नहीं आना चाहता। ये उस इंडिविजुअल की जीत है लेकिन हमारे देश की हार है। एक इंडियन स्टूडेंट का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि वो इंडिया छोड़ के चला जाए और कुछ ना कुछ करके इंडियन स्टूडेंट से वो इंडियन वाला टैग हटकर इंटरनेशनल स्टूडेंट का टैग लग जाए। किसी दूसरे देश जाकर रहना और वहाँ जीरो से स्टार्ट करना आसान नहीं है मेरे दोस्त। घर पर माँ होती है खाना बनाने के लिए, बड़े भैया होते हैं बात करने के लिए, पापा होते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर कौन है? फिर भी इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाकर शॉपिंग कार्ट्स पुश करेंगे, अमेरिका जाकर मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करेंगे, कनाडा जाकर टैक्सी चलाएंगे। उन्हें ये सारी बातें इंडिया में पढ़ने से बेहतर लगती है, ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए शर्म की बात। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे लोग गूगल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओज हैं, क्या ये सच में गर्व की बात है? जिन लोगों में क्षमता थी उनकी क्षमता को समझकर हम यहाँ पर ही निखार नहीं पाए। उन्हें यहाँ का गूगल ओपन करने के बजाय वहाँ के गूगल का एक हाईली पेड एम्प्लॉय बनना ज्यादा बेहतर लगा। यू सी, कोयला और हीरा दोनों अंदर से कार्बन ही होते हैं, लेकिन हीरे को तराशा जाता है तभी हीरे की वैल्यू दुनिया को दिखती है। हमारे यहाँ न जाने ऐसे कितने हीरे हैं जो सही जौहरी की तलाश में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। जिस देश के युवा की सबसे बड़ी अचीवमेंट देश छोड़ के जाना होती है, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? पांचवा और आखिरी सवाल, कॉम्पिटिशन जो जान लेती है। भारत में 3 में से 1 बच्चा कहता है कि उसे पढ़ाई प्रेशर लगती है। 2020 का डेटा कहता है कि हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट ने अपनी जान ली है। 11,300 से ज्यादा बच्चों ने उसी एक साल में कहा है, आई क्विट। कुछ ही दिनों पहले एक काफी डिप्रेसिंग न्यूज पड़ी कि राजस्थान की एक 10th स्टैंडर्ड की बच्ची ने अपनी जान ले ली और अपने माँ बाप को लेटर लिख कर कहा कि आई एम सॉरी, मैं 90% मार्क्स नहीं ला सकती, आई गिव अप, आई क्विट।
एग्जाम का प्रेशर जान ले सकता है, क्योंकि 99% मार्क्स लाने पर भी गारंटी नहीं है कि आपको आपका मन पसंद कॉलेज मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर लें, रिजर्वेशन एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली गलत रिजर्वेशन एक प्रॉब्लम है। आपने कोटा फैक्ट्री सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि राजस्थान का कोटा शहर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए फेमस है। यहाँ आत्महत्या के केसेस इतने कॉमन है कि राजस्थान पुलिस ने एक स्पेशल हेल्पलाइन भी बनाई। हर दिन उन्हें 10 से ज्यादा कॉल्स आते हैं और इस एक स्टेप ने कई स्टूडेंट्स की जान भी बचाई है। ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए मेरा एक सवाल है, क्या IIT में एडमिशन आपके बच्चे की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? 2012 में पार्लियामेंट में एक डिबेट भी हुई थी कि हाई प्रेशर इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर्स होने चाहिए जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स की ओर देखें, ताकि स्टूडेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। लेकिन आज 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, डिबेट वैसी की वैसी ही पड़ी है और एक्शन मिसिंग है। क्या देश के स्टूडेंट्स की देश को चिंता नहीं? ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे हर वीडियो के एंड में सॉल्यूशंस पर बातें करते हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और हमें ही इस देश के प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, ताकि हम आगे बढ़ पाए। सॉल्यूशन नंबर 1, सारे मंत्रियों को फोर्स करो कि अपने बच्चे सरकारी स्कूल्स में ही पढ़ाएं, इंडिया से ही अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, और वो भी जनरल कैटेगरी जितने मार्क्स लाकर। उन्हें कोई कोटा मत दो, उन्हें उसी एरिया में अपने बच्चों को एजुकेशन लेने दो जहां से वो चुनकर आए हैं। देखना, स्कूल्स के हालात जरूर सुधरेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, स्टूडेंट से बात करो। अक्सर मैंने देखा है कि अगर कोई बच्चा 10th या 12th में है तो दूर के रिश्तेदार हमेशा घर आकर पढ़ाई की ही बातें करते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ? अब तक रिवीजन स्टार्ट भी नहीं हुई। दिन के कितने घंटे पढ़ते हो? प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आएंगे? ये सारे सवाल बेकार है, क्योंकि इनसे स्टूडेंट को कोई हेल्प तो नहीं मिलती, प्रेशर जरूर बढ़ता। अगर आप भी वैसे ही कोई रिश्तेदार हैं, तो जरा एक सवाल पूछने से पहले थोड़ा रुक कर सोचिए। और अगर आपका भाई बहन कोई चैलेंजिंग एग्जाम देने जा रहा है, तो बस उसके लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट बनाइए जहां वो ग्रो कर सके और अपना बेस्ट दे सके। अगर कोई स्टूडेंट प्रेशर में है, तो उसे याद दिलाइए कि एन एग्जाम इज नॉट द एंड बट इट इज द स्टार्ट। आपको उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनना होगा, आपको उनके लिए जीतू भैया बनना होगा, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाने वाले लोग भी लाइफ में फेल हो सकते हैं और कॉलेज ना जाने वाले लोग भी धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, टीचर्स की इज्जत करो। इन द बिगिनिंग आई सेड एजुकेशन इज, और उसके लिए सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम टीचर्स की इज्जत नहीं करते। अगर कोई टीचर बनता है तो फिर लोग सोचते हैं कि अरे ये लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए आज बच्चों को सिखा रहा है। जिस समाज में टीचर्स को फेलियर माना जाता है, वो टीचर्स सक्सेसफुल स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे? कोविड के समय यूट्यूब पर टीचर्स को प्रैंक करने वाले वीडियोस वायरल हो रहे थे। जूम स्क्रीन के पीछे छुपकर स्टूडेंट्स अपने गुरु को चिढ़ा रहे थे, रकस कर रहे थे। ऑफ कोर्स हम सब शैतान है। मैंने भी बचपन में ऐसे कई कांड किए हैं जिनके बारे में सोचकर आज शर्म आती है। जापान, चाइना में, फिनलैंड में, स्विट्जरलैंड में टीचिंग को एक हाईली रेप्यूटेबल प्रोफेशन मानते हैं, और इसका रिजल्ट उनकी इकोनॉमी पर दिखता है, उनके देश के फ्यूचर पर दिखता है, क्योंकि टीचर्स कल के शिल्पकार होते हैं। और ये बात हमारे गुरुकुल सिस्टम में सब जानते थे, इसीलिए आपने कोई भी ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा कि गुरुकुल में किसी बच्चे ने अपनी जान ले ली। अच्छी शिक्षा हमारी परंपरा है, और अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है तो शुरुआत हर एक को करनी होगी। एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज में नहीं होता, असली एजुकेशन घर पर भी होता है। आई नो कि हम यहाँ पर बैठकर एज एन इंडिविजुअल पूरी सिस्टम को नहीं बदल सकते, लेकिन एटलीस्ट हमारे घर के माहौल को जरूर बदल सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखने के बाद किसी स्टूडेंट का प्रेशर कम हो। किसी को तो ऐसा लगे कि उनके प्रॉब्लम सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स नहीं है। कोई पेरेंट ये वीडियो अपने बच्चे के साथ देखे और उसे समझाए कि कोई भी मार्कशीट आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करती। आई होप कि कल जाकर भारत में भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि अगर हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधार पाए तो हम भारत के कई फ्यूचर प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं।
अगर आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं तो प्लीज इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने एरिया के MPs, MLAs को इस वीडियो में टैग कीजिए, क्योंकि एजुकेशन को सुधारना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि किसी एक ने डिसाइड किया और सारी सिस्टम बदल गई। इसमें आपका पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता, और इन दोनों लाइन्स में सिर्फ एक का फर्क, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता।